हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कैप स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो जब भी हम सिंपल स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो हमें कपड़े को इस तरह से लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमें इस तरह से लेके फिर हमें जो बंद बाजू रहती है, बंद बाजू जो है यहाँ पे हमें लेनी है और फिर हम बाजू का शेप देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कैप स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो जब हम कैप स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो इसे हमें ये स्क्वायर में कपड़ा लेना पड़ता है। तो स्क्वायर में कपड़ा लेने के बाद जैसे कैप स्लीव्स के लिए कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए, लेकिन जब भी हम कैप स्लीव्स बनाते हैं या आप ड्रेस के लिए भी बना सकते हैं, ब्लाउज के लिए और छोटे बच्चों के फ्रॉक जो बनाते हैं हम उसके लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कैप स्लीव्स के लिए ये कपड़ा लिया है। तो आपको मैं समझाने के लिए इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे हमने ये स्क्वायर में कपड़ा लिया है, अब यहाँ पे हमें इसका ट्रायंगल शेप बनाना है। इस तरह से हम ट्रायंगल शेप में बनाते हैं। ट्रायंगल शेप बनाने के बाद जैसे ये जो ट्रायंगल शेप है इस तरह से हमें लेना है। ये जो बाजू है ये बहुत ही अच्छी दिखती है, मतलब जब सिलने के बाद ये बाजू जो है वो अच्छी बनती है। अभी यहाँ पे ये जो दो बंद बाजू है ये हमारा बॉटम आता है, जो स्लीव्स का बॉटम होता है वो इस तरह से आता है। यहाँ पे हमारी एक बंद बाजू होती है तो यहाँ पे हमारी ये स्लीव्स की लंबाई आती है, और यहाँ पे जो है ये खुली साइड है, यहाँ पे हमारा ये आर्मोल आता है। जब भी हम कैप स्लीव्स की बनाते हैं तो कैप स्लीव्स जो है जैसे बड़ी आप ज़्यादा लंबाई लोगे तो इतनी अच्छी नहीं दिखती, लेकिन थोड़ी सी इसकी लंबाई कम लेंगे तो इसकी जो दिखने में भी ये स्लीव्स अच्छी दिखती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमें इसकी लंबाई लेनी है। अब जब हम सिंपल स्लीव्स बनाते हैं, सिंपल स्लीव्स में बनाने के बाद जैसे यहाँ पे हम सिंपल स्लीव्स को कैसे करते हैं, जैसे 5 इंच लंबाई है तो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है, ज़्यादा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये डबल फोल्ड है इसीलिए हमें क्या करना है, जितनी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 0.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि 0.5 इंच जो है ऊपर के साइड में हमारा सिलाई में जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे 3 इंच हमारी लंबाई है तो 3.5 इंच आपको लेना है लंबाई, जो लंबाई में हमें सिर्फ 0.5 इंच प्लस करना है। अब 0.5 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पे हमारा ये आर्मोल लेना है, तो आर्मोल ये हमारा 7 इंच, हम 7 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अब 7 इंच पे मार्किंग करने के बाद, 7 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमें क्या करना है, 7 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमने ये 7 इंच, ये चौड़ाई जो है 7 इंच ली, यहाँ पे हमने ये लंबाई जो है वो 3.5 इंच ली है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे आप चाहे तो इसको ब्लाउज के लिए जो है तो 1 इंच लेना है, ज़्यादा 1 इंच यहाँ पे लेना है और आप बाजू का शेप देते हैं। आप फ्रॉक के लिए बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से भी आप कटिंग करोगे तो भी ये अच्छी दिखती है। लेकिन ब्लाउज के लिए नीचे के साइड में आपको जैसे यहाँ पे आप 1 इंच रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई आती है, फिर हमारी ये बाजू शोल्डर ज्वाइंट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जितना आपका बॉर्डर है वो आपको बॉटम मोजना है, नापना है। तो यहाँ पे आपको आपका जो बॉटम है 5 इंच है, इसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है, ये हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। और यहाँ पे हमें इस तरह से इसको तिरछा लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच आपको इस तरह से सीधा लेना है और यहाँ पे हमें ये बाजू का शेप देते हैं। इस तरह से हमें बाजू का शेप देना है, यहाँ पे हमारा एक ही शेप आता है। इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमारी ये जो स्लीव्स है ये इस तरह से आती है। यहाँ में क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो है ये हमारा शोल्डर में अटैच हो जाती है, एंड ये जो है ये हमारा बॉटम है। तो यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई आएगी, यहाँ पे हमारी ये फिटिंग की सिलाई आएगी। तो इस तरह से मैंने ये कैप स्लीव्स है वो कैप स्लीव्स आपको बना के दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।